आप देख रहे हैं आपका अपना सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सिर्फ और सिर्फ श्रमिक मंत्र, हर खबर की सच्चाई पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र। मैं आपके साथ सिमरत बिंजोला। देहरादून के थपलियाल परिवार ने जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार से लगाई अपने बच्चों की वापसी की गुहार। आज जिलाधिकारी ने यूक्रेन में फंसे मेडिकल के विद्यार्थी विनायक थपलियाल और अस्मिता थपलियाल के परिजनों से उनके निवास स्थान देहरादून कारगी चौक में मुलाकात की। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने फोन पर बात कर दोनों विद्यार्थियों की वर्तमान लोकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की और जल्द ही दोनों बच्चों के सकुशल घर लौटने की बात परिजनों से कही। वहीं परिजनों ने जिलाधिकारी का धन्यवाद करते हुए कहा कि दोनों बच्चों ने बताया कि भारतीय दूतावास भी लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने उन सभी परिजनों से जिनके बच्चे इस विपदा के समय यूक्रेन में फंसे हैं, उनको आपदा परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 01352726066177, साथ ही टोल फ्री नंबर 07534826066 बताकर कहा कि इन नंबर के जरिए आपदा परिचालन केंद्र को सूचना दे। देहरादून से श्रमिक मंत्र संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, कारगी चौक में निवासरत विनायक थपलियाल एवं अस्मिता थपलियाल के परिजनों से आज मैंने भेंट की और उनको आश्वस्त में हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से भी। देखिए, कारगी चौक में निवासरत विनायक थपलियाल एवं अस्मिता हमारे के परिजनों से आज मैंने भेंट की और उनको 65 आश्वस्त में हमने किया कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी और भारत सरकार की ओर से लगभग 24 भी प्रयास किए जा रहे हैं और 41 उनको वापस लाने के लिए। टोटली हमारे उत्तराखंड से, खासकर जनपद देहरादून से लगभग 65 के माध्यम से सभी जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे और उनमें से लगभग 24 वापस आ चुके हैं और 41 और वहीं पे हैं। और लेकिन हमारे डिजास्टर कंट्रोल रूम, जो हमारा बेसिक कंट्रोल रूम है, तो उनके माध्यम से सभी जितने भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, फंसे हुए हैं, उन सबसे हम लोग टच में हैं और यथासंभव हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के माध्यम से भी, उनके भारत सरकार के सहयोग से भी, कि उनको जितनी जल्दी यहाँ पे ले आ सके उतनी जल्दी हम लोग ले आने का पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं।